So hello friends and welcome back to my channel name is Moviekar Bindu and I am Bindu. So friends, आज मैं करने वाली हूँ flax seeds, जी हाँ अलसी, अलसी के दाने। खाने से फेशियल, सो ये फेशियल बहुत ही अच्छा है, आपके फेस को जो है ना वो टाइट करेगा, आपकी जो स्किन है ना वो सैगिंग हो गई है तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से उसको टाइट करेगा एंड स्किन को बहुत ही इन्हांस करेगा, डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज को निकालेगा। तो फ्लैक्स सीड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फ्लैक्स सीड्स के फेशियल, किस तरह से आप अलसी के दानों से फेशियल कर सकते हैं घर पर ही। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला स्टेप होता है गाइस क्लींजिंग करना, हमारे फेस को क्लींज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे अलसी। तो यहाँ पे मैंने अलसी के जो वाटर बना के रखे है ना, तो उसे मैंने लिया है। सो इसे मैंने बॉइल कर लिया था और उसका जो वाटर है उसे निकाल लिया है, तो ये पूरा जेल फॉर्म में आपको दिखेगा, एकदम जेली जेली जैसा हो जाता है। तो हमें यहाँ पे 1 टेबल स्पून लेना है अलसी का। यहाँ पे मैंने जो जेल लिया बनाई थी उसको मैंने यहाँ पे लिया है और इसके अंदर में मैं ऐड करने वाली हूँ क्लींजिंग के लिए, मैं ऐड करने वाली हूँ रॉ मिल्क। रॉ मिल्क हमारे स्किन क्लींज करता है, तो मैंने यहाँ पे इसे ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे मैंने मिक्स कर लिया और इससे अब हम फेस को अभी इसे क्लींज करेंगे। सबसे पहले मैं अपने नंबर सेकंड जो है हमें लेना है अलसी के, तो मैंने यहाँ पे रॉ अलसी जिसे मैंने ग्राइंड करके रख लिया है, तो 1 टेबल स्पून में यहाँ पे रॉ अलसी लूंगी जिसे मैंने ग्राइंड, देख सकते हैं। और इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ गुलाब जल, ठीक है, तो आप गुलाब जल ऐड कर लीजिए और इससे हमारा स्क्रब तैयार हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये हमारा स्क्रब रेडी हो गया है, अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। नंबर थर्ड है हम इसकी अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनाएंगे। तो अलसी के कुछ इस तरह से पाउडर ले लीजिए और इसके अंदर आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल, तो आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं या फिर फ्रेश एलोवेरा सबसे ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने एलोवेरा जेल लिया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये हमारा क्रीम जो है ना एकदम अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और इस क्रीम को रेडी कर लेना है। आप इसमें चाहिए तो थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये बहुत ही अच्छा एक पेस्ट बन जाए, ये देखिए। तो अलसी का ये फेशियल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और आप लोग जरूर ट्राई करना। और ये देखिए ये जब ये बन जाए तो अब हम इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे एज अ क्रीम और इसे मसाज करेंगे। फ्रेंड्स अब फोर्थ नंबर जिसे हम बनाएंगे अलसी के दानों को लेके जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है उसे मैं बनाने वाली हूँ फेस पैक। तो फेस पैक के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून में मुल्तानी मिट्टी लेने वाली हूँ, ये देखिए ये है मुल्तानी मिट्टी। सो 1 टेबल स्पून में मुल्तानी मिट्टी और यहाँ पे अलसी के दाने जिसे हमने पीस के रख लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे रोज वाटर सेम क्वांटिटी 1 टेबल स्पून, जितना आपका ये पैक रेडी हो जाए। तो ये पैक को हमें रेडी करना है अच्छे से। अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और अलसी का ये वाला जो फेशियल है ना आपको कैसा लगा, मुझे तो बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा स्किन जो है एकदम क्लीन एंड क्लियर लग रहा है।
काफी अच्छा है एंड हेल्दी स्किन ऑब्वियसली गाइज। और ये वाली जो है ना, इसे जरूर ट्राई करिए DIY को। आपको कैसा लगा ये फेशियल? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड काफी सूद लग रहा है, फेस में नॉरिशमेंट मिली है ऐसा लगता है ना चेहरे को। तो जरूर करिए एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये अलसी वाला फेशियल किट, ठीक है। सो जिसे मैंने घर पे ही बनाया है और आप लोगों के लिए इसे प्रिपेयर किया था, दिस ऑल लाइव डेमो। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।